डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से और एक्सरसाइज है 45। और जैसे कि पता है आप लोगों को, चैप्टर 7 में हम लोग यूज ऑफ पोसेसिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कहा जा रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी में बात करें। और सेंटेंस है, यह मेरा था, वह आपका था, ये मेरे थे, वे आपके थे। तो इसे आप कैसे बनाइएगा, यह वह, इसके बाद पोसेसिव प्रोनाउंस है, ठीक है, और इसके बाद था है यानी वाजवे। तो यह रहेगा तो आप लिखिएगा दिस, दिस, और वह रहेगा तो आप लिखिएगा दैट, और ये रहे तो आप लिखिएगा दीज, और वे रहे तो लिखिएगा दोज। और इसके बाद आपको वाज या वेयर प्रयोग करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वाज लिखना है या फिर वेयर लिखना है, और इसके बाद पोसेसिव प्रोनाउंस लिखना है, पोसेसिव प्रोनाउंस इस तरह से बनाना है। आपको पता है यह और वह के साथ वाज लगाना है, और ये और वे के साथ वेयर लगाना है। जैसे देखिए, यह मेरा था, तो लिखिए यह यानी दिस, दिस, और दिस के साथ वाज लगाना है, दिस वाज मेरा यानी माइन, दिस वाज माइन, यह मेरा था, वह आपका था, तो वह आपका था, तो इससे आप बनाइएगा दैट, दैट, और वाज लिखिए दैट वाज आपका योर्स, योर्स, ये मेरे थे, लिखिए ये यानी दीज, दीज, और वेयर लगाना है दीज के साथ, दीज वेयर मेरे माइन, दीज वेयर माइन, वे आपके थे, लिखिए दोज, दोज लिखिए दोज, दोज वेयर योर्स, दोज वेयर योर्स, यह मैदान हम लोग का था। देखिए ये बदल चुका है, तो इसे आप कैसे बनाइएगा, इसे आप जो बनाइएगा पहले डालिएगा वैसे ही, यह रहे तो दीज डालना है, वह रहे तो डैट डालना है, ठीक है, और ये रहे तो दीज डालना है, दीज, और वे रहे तो दोज डालना है, दोज। और इसके बाद आपको नाउन का प्रयोग करना है, देख रहे हैं मैदान, नाउन, नाउन, और इसके बाद आपको प्रयोग करना है वाज या वेयर, वाज या फिर वेयर, और इसके बाद पोसेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग करना है, इसके बाद पोसेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग करना है, इस तरह से बनाइएगा। जैसे देखिए, वह मैदान हम लोग का था, वह मैदान हम लोग का था, तो डैट लिखिए डैट, वह ले लिए हम लोग, डैट ले लिए, इसके बाद नाउन लेना है यानी मैदान, लिखिए डैट फील्ड, फील्ड, और इसके बाद सिंगुलर है वाज, वाज हम लोग का, आवर्स, इस तरह से। वह मैदान उन लोग का था, लिखिए डैट, That field, field was उन लोगों का, theirs, ये बगीचे हम लोगों के थे, लिखिए these, these gardens, बगीचे प्लूरल है, these gardens, gardens were, प्लूरल है इसलिए were, और हम लोगों के, ours, ours, वे पेड़ उन लोग के थे, लिखिए दोज, दोज ट्रीज, ट्रीज, दोज ट्रीज वेयर उन लोग के, ठीक है, देयर्स। कंप्यूटर उसका था, कंप्यूटर उसका था, तो इसे आप कैसे बनाइएगा, पहले नाउन आ गया है तो द का प्रयोग करेंगे, द लिखेंगे द, और इसके बाद नाउन लिखेंगे, नाउन, नाउन, और इसके बाद देखिए द लिख दिए, नाउन लिख दिए, और इसके बाद वाज या वेयर, वाज या वेयर, और इसके बाद आपको प्रयोग करना है पोसेसिव प्रोनाउंस, प्रोनाउंस इस तरह से। देखिए कंप्यूटर उसका था तो नाउन है, नाउन रहेगा, यहां देखिए नाउन रहेगा तभी ये द लगाना, नहीं तो नहीं लगाना है। देखिए कंप्यूटर उसका था, लिखिए द, द कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर वाज उसका, पुरुष का है हिज, साड़ियाँ उसकी थी, साड़ियाँ प्लूरल है, लिखिए द साड़ीज वेयर हॉर्स, इस तरीका होता साड़ी, ठीक है, हॉर्स। सपना उन लोगों का था, लिखिए द सपना यानी ड्रीम, ड्रीम वाज उन लोगों का, देयर्स, theirs। इच्छा हम लोग की थी, लिखिए द डिजायर,
डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, द डिजायर वाज हम लोग का आवर्स, गलती उसकी थी, देख रहे स्त्रीलिंग है तो लिखिए द मिस्टेक या द फॉल्ट भी लिख सकते हैं, द एरर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, द मिस्टेक वाज स्त्रीलिंग है हर्स, पसंद उसकी थी, देख रहे हैं पुलिंग है, लिखिए द चॉइस चॉइस वाज हिज पुलिंग है, इसलिए मेरा पीला था, तो इसे आप कैसे बनाएगा मेरा पीला था, तो माइन पहले लिखाएगा, पहले लिखाएगा पोसेसिव प्रोनाउंस, ठीक है, और इसके बाद वाज या वेयर, और इसके बाद पीला नीला जो भी रहे, लिखिए मेरा पीला था माइन और वाज पीला येल्लो, उसका नीला था, लिखिए उसका नीला था, लिखिए हिज हिज पुरुष के लिए हिज वाज ब्लू उसका नीला था, हमारा सबसे अच्छा था, लिखिए हमारा सबसे अच्छा था, लिखिए आवर्स आवर्स वाज द बेस्ट हमारा सबसे अच्छा था, तुम्हारा सबसे बुरा था, लिखिए योर्स योर्स वाज योर्स वाज द वर्स्ट सबसे बुरा वर्स्ट, गलती उसकी थी मेरी नहीं, लिखिए गलती द मिस्टेक मिस्टेक वाज हिज, इसका कॉमा डालिए नॉट माइन, इस तरह से मेरे बल्ले अच्छे थे तुम्हारे नहीं, लिखिए माई बैट्स प्लूरल है इसलिए माई बैट्स वेयर गुड माई बैट्स वेयर गुड, इसके बाद कॉमा डालिए, इसके बाद नॉट डालिए नॉट योर्स, इस तरह से।